क्या प्रभास की आने वाली फिल्म सलार इस बार भी आदि पुरुष की तरह बुरी तरह फ्लॉप होगी या नहीं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये हिट क्यों हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट हाइप। हाइप इतना है कि इसने 24 घंटे में व्यूज के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अरे वो सलवार फैन आदि पुरुष ने बनाया थे रिकॉर्ड 24 घंटे में 73 मिलियन व्यूज। अरे लोग वहाँ इसीलिए जाते थे क्योंकि लोगों को देखना था कि आखिर 500 करोड़ रुपए लगा के कोई कितना बुरा VFX बना सकता है। हाँ, लेकिन सलार के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पे सच में टीजर ही देखने जाते हैं, ना कि कार्टून। और हाँ, रही बात व्यूज की, तो सलार ने 24 घंटे में 83 मिलियन व्यूज पार किए, मतलब हाइप और क्रेज बहुत ही ज्यादा है। और दूसरा पॉइंट जो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर और सबसे बड़ा हिट बना सकती है वो है इस मूवी का KGF यूनिवर्स का पार्ट होना, जिसका डायरेक्टर हमारे प्रशांत नील, जो जब भी फिल्म बनाते हैं रिकॉर्ड तोड़ देती है। बाकी अब बात करते हैं क्या ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, कमाई में इम्पैक्ट पड़ सकती है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, आदि पुरुष। क्योंकि आदि पुरुष को देखने के बाद लोग उसके मेकर्स को नहीं प्रभास को ही गाली देने लग गए। बहुत से लोग जो प्रभास के फैन थे वो कहीं ना कहीं हेटर बन गए, जिस कारण कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी तो कमाई में इम्पैक्ट पड़ेगा ही। लेकिन हाँ, अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी रही तो हेटर तो थिएटर नहीं जाएगा, लेकिन दिल में उसकी हिट हो जाएगी और वापस से बहुत से फैंस के दिलों में प्रभास के लिए प्यार जाग उठेगा और ये प्यार काम आएगा उनके आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट के लिए। बाकी आपको क्या लगता है सलार कितना कलेक्शन कर सकती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और हाँ यार, अपने भाई को सब्सक्राइब करके भी जाओ। साली को अनसब्सक्राइब करता हूं।